जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब पुलिस भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपकी 10,000 प्लस पदों पर होने वाली है और जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जैसा कि आपने न्यूज जानी होगी। बट अभी दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को ये मालूम नहीं हुआ है कि ये भर्ती कब तक आएगी और कैसा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, यानी कि क्या इसमें एज लिमिट रहेगी, कितनी सैलरी आपको दी जाएगी, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, हाइट कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके मन में ये सवाल है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अगर हो पाएंगे तो कैसे हो पाएंगे। तो ये जो आपके सवाल है इनके आंसर मैं आपको ऑफिशियली इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, जो कि जानकारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जारी की गई है, यानी कि ऑफिशियल है। और साथ ही एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो कि इसके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, तो ये आंसर भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। उसके देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे इस प्रकार के जो अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहां पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ट्विटर के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट है, और इसी ऑफिशियल अकाउंट पर आप देखोगे कि आपका एक ट्वीट है जो कि कल का है, जहां पर आपको बोला कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस सून, यानी कि जल्दी होगी। एस्पिरेंट शुड स्टार्ट प्रिपरेशन। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी अलाउज एस्पायरिंग कैंडिडेट्स टू यूज पब्लिक स्पेसेस, पार्क्स, स्टेडियम एंड पुलिस लाइंस ग्राउंड फॉर प्रैक्टिस, यानी कि जो आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो कैंडिडेट अपनी इस भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको छूट दे दी है कि वो पार्क, स्टेडियम, पुलिस लाइंस ग्राउंड यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ये तो ही आपकी एक नॉर्मल बात, बट जब आप इस पेज को ओपन करेंगे या फिर इस वेबसाइट को ओपन करेंगे जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको देखने को भी मिल पा रहा है और इसी में आपको इस भर्ती के बारे में जो जानकारी जिनके बारे में मैंने बात की थी वो शेयर की गई है। ये आपका 25 मार्च का आर्टिकल है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपको यहां पर मैं पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में देने वाला हूं। तो यहां पर आप देखोगे सेकंड पैराग्राफ में आपको बोला कि पंजाब चीफ मिनिस्टर ऑन मार्च 20 यानी कि 20 मार्च को यह अनाउंस किया गया था कि आपकी 10,000 पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती होने वाली है, जिसमें कि 33% जो रिजर्वेशन है वो आपको वुमेन को दिया जाएगा। और ये जो आपकी भर्ती होगी वो आपकी सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर होने वाली है। तो ये आपने जाना कि इसमें जो आपकी 10,000 पद होंगे ये आपके कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के थ्रू फिलअप किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बोला कि दी कैटेगरीज टू विच रिक्रूटमेंट इज बीइंग मेड इंडक्ट डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि जो आपके कैटेगरी हैं उनके अंदर ये कैटेगरी मेन होने वाले हैं जिनके अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी या फिर जिनके अंदर से आपके कांस्टेबल के और हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के पद निकाले जाएंगे। तो ये हुई आपकी पोस्ट के बारे में बात। इसके बाद दोस्तों आपके मन में जो सवाल है कि ये भर्ती कब आएगी, तो उसके बारे में भी यहां पर जानकारी शेयर की गई है। आपको बोला कि डीजीपी दिनकर गुप्ता सेड दैट द पुलिस पंजाब पुलिस इन द फोर्थ कमिंग 2-3 मंथ सेल कमेंस द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट टू फिल वैकेंसीज ऑफ वेरियस पोस्ट, यानी कि जो आपके पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता जी हैं इन्होंने बोला है कि आपके आने वाले 2-3 महीने के अंदर इस भर्ती का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, जिसमें कि आपके ये वेरियस पद फिलअप किए जाएंगे। तो 2-3 महीनों से मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि ये भर्ती आपकी मई के अंदर स्टार्ट हो सकती है। अब ये जो आपको 2-3 महीने का टाइम दिया है इसमें जो आपकी वैकेंसी है उनको काउंट करने में, उनका जो एक बायोडाटा होता है वो तैयार करने में टाइम लगता है, और जो गवर्नमेंट वर्क्स होते हैं इनके अंदर तो काफ़ी टाइम लगता ही है। तो ऐसे में यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मे बी आपको मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिले, और तभी से आपको कम से कम एक महीने का समय दे जाएगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहां पर आपने जाना कि यह भर्ती आपकी आने वाले 2-3 महीने के अंदर अनाउंस कर दी जाएगी। बट अभी दोस्तों बात करते हैं आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में भी यहां पर जानकारी शेयर कर दी गई है।
तो यहाँ पर आपको बोला है कि एस्पिरेंट बोथ मैन और वुमेन शुड पोसेस मिनिमम ऑफ ए बैचलर डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है। बेसिकली यहाँ पर बात तो हेड कांस्टेबल की भी की गई है कि सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल द डीजीपी सेड दैट द एस्पिरेंट बोथ मैन और वुमेन शुड प्रोसेस मिनिमम ऑफ ए बैचलर डिग्री, यानी कि हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है इस पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे या करने की छूट दी हुई होती, क्योंकि इसमें हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर मैंने बहुत कम देखा है जहां पर ग्रेजुएट मांगी जाती है अप्लाई करने के लिए। और साथ ही दोस्तों बात करें आपकी एज लिमिट की, तो यहां पर जो आपकी एज लिमिट है मैक्सिमम वो आपकी 28 साल रखी गई है और ये आपकी January 1, 2021 तक काउंट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हेड कांस्टेबल और SI की पोस्ट पर आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। इसके अलावा जो छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो यहाँ पर दी जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा जो आपकी कांस्टेबल की पोस्ट है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आपको यहां पर बोला है कि सिमिलरली एस्पिरेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, यानी कि जो कांस्टेबल की पोस्ट है जिसमें कि मैन और वुमेन के लिए दोनों के लिए जो एज लिमिट रखी है वो आपकी 18 से 28 साल रखी है और इसमें भी आपकी एज 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी। और इसमें भी यहां पर दोस्तों जो आपकी छूट है SC ST की 5 साल की और OBC की 3 साल की, वो यहां पर आपको दी जाएगी। इसके अलावा इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, यानी कि जो आपकी हेड कांस्टेबल और SI की पोस्ट है इस पर तो जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया आप अप्लाई कर सकते हो, और जो आपकी कांस्टेबल्स की पोस्ट है इन पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 10वीं पास के लिए यहां पर कोई भी मौका नहीं है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर बात आती है आपकी जो फिजिकल मेजरमेंट है उसके बारे में भी यहां पर आप जानकारी देख ही सकते हो। आपको यहां पर जानकारी दी गई है तो मैं आपको इसको रीड करके अच्छे से दिखाता हूं। इसमें जो आपका फिजिकल मेजरमेंट है इसमें यहां पर जो आपकी हाइट रखी गई है वो आपकी 5 फीट 7 इंच है मेल कैंडिडेट के लिए और 5 फीट 2 इंच है फीमेल कैंडिडेट के लिए। साथ ही यहां पर दोस्तों जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें आपका जो दौड़ होगा वो आपका 1600 मीटर का होने वाला है मैन कैंडिडेट यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए और 800 मीटर का होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। हाई जंप होगा और आपका लॉन्ग जंप होगा। इसके अलावा दोस्तों जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है वुड बी डिफरेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट, यानी कि जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा अलग होगा। और एक्स सर्विसमैन एंड डिटेल्स सेल भी जो आपके एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए जो डिटेल्स है वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफाई अलग से कर दी जाएगी, यानी कि अलग से उसके उनके लिए कुछ प्रोसेस में छूट होती है तो वो बाद में आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, जिसमें कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि आपके तैयार किए जाएंगे जनरल अवेयरनेस। इसके इसमें जो कि आपके टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट ये आपके हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स करंट अफेयर्स etc। दी कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू प्रैक्टिस क्वांटिटिव एंड न्यूमेरिकल स्किल्स, जिसमें कि आपके ये सब टॉपिक्स होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल और ये जो बेसिकली है ये आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी है कि कैसे आपका एग्जाम पैटर्न होगा और किन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके बारे में पूरी जानकारी जान ली है कि आपका कैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। बात करें आपकी सैलरी की, तो यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी कांस्टेबल की पोस्ट पर वो आपको 5,200 रुपये से लेकर के 20,200, साथ ही आपको 1,800 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। इसमें कुछ बढ़ा भी हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट सैलरी अभी नहीं बता रहा हूँ। SI की पोस्ट पर आपको 10,300 से लेकर 34,800 रुपये, जिसमें कि आपको 4,600 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। ये भी एक एक्सपेक्टेड सैलरी है जिससे कि आपको मालूम हो जाए कि हाँ कितनी सैलरी आपको इस पोस्ट पर मिलने वाली है। और जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएगी वो तो आपको क्लियर हो जाएगी, बट अभी यहां पर आपकी प्रिपरेशन करने के लिए जो आइडिया आपको चाहिए था कि कैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मिल गया होगा। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी एक सवाल जो रह गया है वो है कि जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है क्या वो अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर अक्सर भर्ती निकलती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें
एक जो एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि अगर आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो। अब चाहे आप पंजाब के निवासी हो या ना हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपने 10वीं या कोई हायर क्वालिफिकेशन के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी पढ़ा हो। बट यहाँ पर जैसे कि आपकी पुलिस की भर्ती है, मे भी आपको उसमें छूट ये दे दी जाए कि अगर आपने वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी न भी पढ़ा हो और आपको ज्वाइनिंग के बाद 2 से 3 साल का समय मिल जाएगा, उस 2 से 3 साल के अंदर आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि पंजाबी लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। अगर आप वो एग्ज़ाम पास कर जाते हो तो ऐसे में आपकी ज्वाइनिंग बनी रहेगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर आ जाती है तो आपके अच्छे चांसेस है अन्य स्टेट से अप्लाई करने के भी। जो दोनों ऑप्शन थे वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी पंजाब पुलिस भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।